अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मुंबई की फेमस जमजम बिरयानी की रेसिपी। ये बिरयानी अलग अलग फ्लेवरों से बनने वाली जमजम बिरयानी की रेसिपी है और आप इसको ध्यान से देखना कि स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे बनाना है। चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये मटन ली हूँ, ये 1.25 किलो मैंने मटन लिया है हड्डी के साथ में। इस तरह से मैंने ये मटन ली हूँ, इसको अच्छे से वॉश करके ले लिया मैंने अभी इसको। अब यहाँ पर इसको हम लोग एक कुकर में डाल देंगे इन मटन को। मटन को डालने के बाद अब यहाँ पर थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल देंगे। यहाँ पर मैंने लौंग ली हूँ, 7 से 8 लौंग है, 4 से 5 हरी इलायची, आधा चम्मच काली मिर्ची अखा, 1 काला इलायची और 1 छोटा सा पीस मैंने जायफल का ली हूँ और 1 बादियान का फूल है और 1 चम्मच भर के शाहजीरा लिया मैंने। इसको डालने के बाद अब यहाँ पर एक बड़ा प्याज लेंगे, इसको रफली चॉप करेंगे इस तरह से और इसको डाल देंगे। अब यहाँ पर 1 चम्मच भर के ये हरी मिर्च का पेस्ट लियो मैंने और 1 चम्मच भर के यहाँ पे लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट को थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा ही बनाकर इसको आप रख लेना, क्योंकि आगे भी हम लोग उसका काम आएगा। अब यहाँ पर 3 तेज़पत्ता डाल देंगे। इसको डालने के बाद अब यहाँ पर गोश्त गलने जितना यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। अब इसमें डाल देंगे नमक, मैं यहाँ पे 1 चम्मच जितना नमक डाल रही हूँ। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे और इसको अभी एक कुकर को गैस में रख देंगे। अब इसमें एक उबाल आने के बाद अब इस ढक्कन को बंद करके इसको कुक करेंगे। गोश्त हम लोग को 90% तक इसको कुक कर लेना है। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये लेंगे कीमा। यहाँ पर मैंने ये मटन का ही कीमा लिया, आप चिकन का भी ले सकते हो। इसको मैंने बारीक सा ग्राइंडर में पीस कर ली हूँ इस तरह से। अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, पाउडर मसाले, आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच नमक और गरम मसाला 1/2 चम्मच और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 चम्मच जितना यहाँ पे मैंने भुना हुआ चने का आटा लिया हूँ, इसको ऐड करेंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा बाइंडिंग आ जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इन मसालों को इस कीमे के साथ में। इसको रख देंगे 1/2 घंटे के लिए थोड़ा सा मैरिनेट होने के लिए। अब यहाँ पर चिकन ले लेंगे। चिकन मैंने ये 1/2 kg लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच ग्रीन चिल्ली पेस्ट और 1 चम्मच जितना डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको डालने के बाद अब यहाँ पर डाल देंगे ये तंदूरी मसाला या तिक्का मसाला, आप जो भी आपके पास हो उसको डाल देना 1 चम्मच। अब इसमें डाल दें 1 चम्मच भर के ये गाढ़ी दही और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको भी अच्छे से लगा के इसको भी टाइम होता है आपके पास, इसको भी रख देना 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग गोश्त को ये चेक कर लेते हैं। ये गोश्त भी अपना तैयार है बनकर, मैंने इसका पानी से अच्छे से सुखा कर लिया इस तरह से। अब यहाँ पर लेंगे ये 3 आलू लिए मैंने, इसको फ्रेंच फ्राई स्टाइल में इसको कट कर लेंगे और इसको 3 कलर में इसको हम लोग इस तरह से इसमें कलर में इसको लगा कर ले लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो सादा भी इसको फ्राई करके ले सकते हो। अब यहाँ पर मैंने ये 3 कप मैंने बासमती राइस ली हूँ, इसको भी हम लोग भिगा कर रख देंगे अभी। यहाँ पर मैंने ये कीमे का कोफ्ता भी इस तरह से बना कर तैयार कर लिया है। चलिए अब इन सबको हम लोग फ्राई कर ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कढ़ाई में ऑयल लेंगे और ये कोफ्ते को इस तरह से ऑयल में डाल देंगे और इसको भी अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक और अच्छी तरह से पक जाने तक इसको हम लोग कुक कर लेंगे। इसको स्लो मीडियम पर थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए और अच्छा सा एक गोल्डन कलर आने तक इसको हम लोग फ्राई कर ले लेंगे। अभी हमारे कोफ्ते भी ये तैयार है बनकर। चलिए अब इसको मैं निकाल कर इसको भी साइड में रख देती हूँ। अभी इसी ऑयल में हम लोग ये फ्रेंच फ्राइज को डाल देंगे। अभी ये फ्रेंच फ्राइज को भी हम लोग फ्राई करेंगे, इसको भी थोड़ा क्रिस्पी होने तक उसको फ्राई कर ले लेंगे। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, बहुत ही आसान हो जाएगा आपको करने में और इसको थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन खाने में बहुत ही मज़े की लगती है बिरयानी। आप इस जमजम बिरयानी को बनाकर एक बार ज़रूर से ट्राई करना। अब ये फ्रेंच फ्राइज को भी निकाल कर हम लोग साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर उसी ऑयल में ये चिकन को भी हम लोग फ्राई कर ले लेंगे। इसको भी हम लोग 90% तक कुक कर लेंगे, इसका भी अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको भी हम लोग फ्राई कर लेंगे इस तरह से। इसको भी अभी मैं निकाल कर रख दूंगी साइड में। अब यहाँ पर आखिरी स्टेप में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बड़ा सा कढ़ाई लेंगे
या डेगची लेंगे, अब इसमें डाल देंगे जो फ्राई किया हुआ ऑयल है उसी को इस्तेमाल करेंगे, 2 चम्मच भर के लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 प्याज स्लाइस में कट कर कर ली हूँ, इसको डाल दूँगी और इसको गोल्डन कलर आने तक हम लोग फ्राई करेंगे। अब ये फ्राई हो जाने के बाद अब यहाँ डाल देंगे 1/2 चम्मच ग्रीन चिल्ली पेस्ट और 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ पर पाउडर मसाले डाल देंगे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1-2 चम्मच यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला ली हूँ, और यहाँ पे डाल देंगे सौंफ का पाउडर 1 चम्मच भर के। अब इन मसालों को थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से इसको भून कर ले लेंगे ताकि ये मसाले जले ना, इसके लिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। अब ये मसाले अच्छी तरह से भून जाने के बाद अब यहाँ पे ऐड करेंगे ये 1/2 कप जितना मैंने ये दही ली हूँ, गाढ़ी दही है, इसको डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच भर के ये केवड़ा वाटर है, इसको डाल देंगे इन मसाले में। थोड़ा सा पुदीना पत्ता लेंगे, इसको भी डालेंगे, और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, इसको बारीक से चॉप कर लेंगे सबसे पहले। और इसको डालने के बाद अब यहाँ पर डाल देंगे ये मटन को मैंने जो बॉईल करके रखा हुआ है, उस मटन को इसमें ऐड करेंगे और इसको इसमें मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ में इस तरह से। अब यहाँ पर डाल देंगे 1/2 कप जितना ये मटन स्ट्यू, आप चिकन स्ट्यू भी डाल सकते हो, या तो ये एक मैगी का क्यूब लेके उसको पानी में घोल कर उसको भी डाल सकते हो, या तो सादा पानी भी डाल सकते हो। अब इसको एक बार मिक्स कर लेंगे इस तरह, एक इसका एक मसाला तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसमें अंडा भी लिया है बॉईल करके, 5 अंडे को मैंने बॉईल कर कर लिया हूँ, कोफ्ते भी तैयार है, फ्रेंच फ्राइज भी तैयार है, ये चिकन भी फ्राई कर कर ले लिया है। चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप्स में डालते हुए जाएंगे। यहाँ पर मैंने ये बिरयानी राइस को भी पका कर ली हूँ, इसको 80% तक पका कर लिया मैंने, जो नॉर्मल हम लोग जो राइस बिरयानी के लिए बॉईल करते उसी तरह हम लोग उसको पका कर ले लेंगे। अब यहाँ पर ये मसाले में इन चावलों को डाल देंगे इस तरह से, इसमें ये एक लेयर चावल का डाल देंगे। चावल डालने के बाद अब यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और पुदीने के पत्ते को, इसको डालने के बाद अब यहाँ पर इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के ये घी, मैंने ये घी डाल दिया, आप ऑयल भी डाल सकते हो या बटर भी डाल सकते हो। अब इसको डालने के बाद यहाँ पर चिकन के पीसेस को डाल देंगे इस तरह से, चिकन के पीसेस का लेयर लगा देंगे। अब यहाँ पर इसके ऊपर वापस से ये राइस को हम लोग डाल देंगे। अब यहाँ पर राइस का लेयर लगाने के बाद अब यहाँ पर ये कोफ्ते को भी इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे, और ये बॉयल अंडे को भी इस तरह से करके इसमें रख देंगे, और अपना जो कलरफुल फ्रेंच फ्राइज है इसको भी इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से अपना ये बिरयानी, जमजम बिरयानी, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। अब यहाँ पर डाल देंगे इसके ऊपर पुदीने का पत्ता और धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे रिश्ता भी थोड़ा सा डाल सकते हो। अब यहाँ पर डाल देंगे 3 चम्मच जितना यहाँ पे मैं ये घी डाल रही हूँ, देसी घी है, आप यहाँ पर ऑयल या बटर भी डाल सकते हो। अब इसको हम लोग फॉइल पेपर के मदद से इस तरह से इसको बंद कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से इसको पैक करेंगे और इसको ढक्कन लगा के इसको 20 मिनट के लिए स्लो मीडियम फ्लेम पर इसको हम लोग दम पर कुक कर लेंगे। 20 मिनट हो जाने के बाद गैस का फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और ये लीड हटा लेंगे। लीड हटाने के बाद ये फॉइल पेपर को भी निकाल लेंगे इस तरह से। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू और ज़बरदस्त मज़े की बनने वाली है जमजम बिरयानी की रेसिपी बनकर तैयार है। और सच बताऊँ तो ये बहुत ही मज़े की बनी थी। और आप इस रेसिपी को, कोई मेहमान आने वाले हैं या आपको कुछ स्पेशल खाना है तो इस बिरयानी को ज़रूर से ट्राई करना, और इस बिरयानी रेसिपी को आप फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करिए। चलिए अब ये ज़बरदस्त जमजम बिरयानी को हम लोग एक सर्विंग प्लेट में मैं इसको निकाल कर ले लूँगी, इस तरह से इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको एक सर्विंग प्लेट में इसको सर्व कर लिया है, और आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।